वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपका विज़िट कराऊंगी मस्जिद वज़ीर ख़ान का। ये आपको मैं शुरू में दिखा रही हूँ कि ये वो रास्ता है जहाँ से मस्जिद वज़ीर ख़ान के लिए जाया जा रहा है। ये एक छोटा सा लोकल एरिया है, यहाँ बाज़ार हैं, ऊपर घर हैं या रिहायशी जो भी इलाका है छोटा सा है, और बाज़ार है या नीचे नाश्ता वगैरह बन रहा है और लोगों की अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लोगों की एक फ्रेशनेस नज़र आ रही है यहाँ पर। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। अब यहाँ से लास्ट पॉइंट वो आ रहा है जहाँ से मस्जिद इसका स्टार्ट हो रहा है। ये वो लास्ट चौक आ गया है जहाँ से अब आप पूरा ये व्यू देखेंगे मस्जिद का। नीचे सारी शॉप्स हैं जो कि कैलीग्राफी की सारी शॉप्स हैं, और बहुत खत्ताती का बहुत खूबसूरत काम हो रहा है यहाँ पर। बहुत नायाब किस्म का यहाँ पर सारा काम दिखाया गया है, तो आप लोग भी खुद भी देख रहे होंगे कितना खूबसूरत यहाँ पर काम है। ये नीचे सारी शॉप्स उन्हीं की हैं, यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं और ये सारी शॉप्स उन्हीं लोगों की हैं। ये मस्जिद का नीचे का आता है जहाँ पर ये सारा एक्टिविटीज़ हैं, या नीचे दुकानें भी हैं और ये पूरा सहन है ये वहाँ का। Thank you.
लिए, सफाई के निज़ाम को अच्छा रखने के लिए ये बिन्स बनाए गए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये चूड़ियों वाली एक खातून है, यहाँ पर इनकी एक साइकिल है ये, और उस पर कार्ट है, उस पर ये चूड़ियाँ लेके वहाँ पर बैठी होती हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है उनका एक तरीका चूड़ियाँ बेचने का, और ये बहुत एक यूनिक स्टाइल है, और अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता करे, और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है। तो आप लोगों में से जब भी कोई जाए तो इनसे ज़रूर ये चूड़ियाँ ख़रीदीजिएगा। ये मस्जिद में नीचे कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी मस्जिद के बारे में पूरी डिटेल है, हिस्ट्री है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए, और या चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके फिर आप पढ़ लीजिए तो आपको अच्छी लगेगी। मेरा ख़्याल है हम लोगों को जब यहाँ पर जाना चाहिए तो हमें इन लोगों से ज़रूर ये हैंडीक्राफ्ट्स ख़रीदने चाहिए, ताकि इन लोगों की हौसला अफज़ाई हो। ये अब मस्जिद में चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर अब मस्जिद में आप एंटर होंगे। आजकल मस्जिद में रेनोवेशन का काम हो रहा है, ताकि मस्जिद की हर चीज़ को दोबारा से रेनोवेट कर दिया जाए, मस्जिद की हर चीज़ को दोबारा से प्रिजर्व किया जाए। मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर की मशहूर मस्जिदों में से एक मस्जिद है। मस्जिद अपने खूबसूरत टाइल वर्क की वजह से बहुत मशहूर मस्जिद है। ये मस्जिद 7 साल के अरसे में तामीर की गई, ये मुग़ल शाहजहाँ के दौर में तामीर की गई थी। ये मस्जिद शेख इल्मुद्दीन अंसारी साहब के दौर में तामीर की गई थी, जो कि गवर्नर ऑफ लाहौर थे और जिनको वज़ीर ख़ान का ख़िताब दिया हुआ था। वज़ीर का उर्दू में मतलब है मिनिस्टर। ये मस्जिद हमारे लाहौर के अंदरून लाहौर में है इस वक्त, और इसको आसान एक्सेस जो है कि आप आसानी से जहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं या जहाँ तक पहुँच सकते हैं वो है दिल्ली गेट से, आप उसको आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। Thank you.
ये दरबार हजरत सैयद मोहम्मद हिसार अल मारूफ मीरा बादशाह जनाब हुसैन सैयद है। ये मस्जिद बनने से कम व पेश 350 साल पहले का है और ये ईरान के गांव गाजोनी से आए हुए सरकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो अभी आपने पहले दरबार देखा था, ये यहाँ मस्जिद से भी पहले का दरबार यहाँ पहले मौजूद था। और आपके आपने इसमें यहाँ एक मौलवी साहब का भी सुना कि जिन्होंने भी खुद बताया है कि ये दरबार या मस्जिद से भी बहुत पहले का यहाँ मौजूद था। Thank you.
ये मस्जिद के बिल्कुल पास ही ये दीनानाथ का कुआं मौजूद है जो कि अब बिल्कुल बंद है, इसको अब बंद कर दिया है, अब पानी इसमें नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद है, ये उसी वक्त में बनाया गया था। दीनानाथ एक सिख थे जिनकी ख्वाहिश थी कि जो यहाँ पर मस्जिद में सूफ़ी साहब थे जिनकी एक कब्र थी मौजूद, ये उनकी ख्वाहिश थी कि ये उनके साथ ही वहाँ पर ये कुआं मौजूद रहे, इस उनकी कब्र भी और ये कुआं भी वहाँ मौजूद रहे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये कुआं नहीं चल सका, तो इसलिए फिर इसको रिस्टोर करके इसको यहाँ पर जाली में बंद कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसको इंजॉय किया होगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।